अगर रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, अगर 20% 30% 25% रेट बढ़े और सिर्फ ये इतना फैक्ट आया तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वी कैन अस्यूम कि जनाब हम जो है वो अप डाउन ट्रेंड साइकिल में जाने वाले हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ अ बिग न्यूज़ इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, द मोस्ट वेटेड वीडियो, द मोस्ट वेटेड जो हमारी ईयरली फोरकास्ट होती है वो आ रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताता चलूँगी इस फोरकास्ट को लेट क्यों होगी। ये फोरकास्ट इस वजह से लेट हुई, 2021 में दिसंबर में गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें हमारी चेंज कर दी। एक तो उन्होंने DNFBP का जो है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दी, दूसरा FBR वैल्यूज 1 दिसंबर को इंक्रीज़ कर दी गई, जो बाद में एहतजाज करके रियल स्टेट कम्युनिटी का अल्टीमेटली उनको रिवीजन भी किया गया और उसको डिले भी किया गया, और अब प्रॉबली वो 1 मार्च 2022 के अंदर आ रही हैं। एक्चुअली FBR वैल्यूज हैं ये, इसका इम्पैक्ट बड़ा मेजर होने वाला है हमारे रियल स्टेट सेक्टर के अंदर। और मैं जब रियल स्टेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो आज से प्लीज़ मेरी मेहरबानी है, रियल स्टेट सेक्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। 1 इज़ योर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग एरियाज और दूसरे जो है आपके जो है वो आप करें एंड यूज़र को कर दें, आप इसको जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं। सो मैं अब जितनी भी बात कर रहा हूँ टेक्निकली साइकिल की, तो वो ज़्यादातर साइकिल पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्पेकुलेटिव एरियाज में चलता है। तो इसके ये मत समझ लिया करें कि जी कि एंड यूज़र एरियाज भी इस तरह अफेक्ट होंगे, वो हम आपको बताएंगे एंड यूज़र एरियाज की जो फोरकास्टिंग है वो किस तरीके से होगी। तो स्पेकुलेटिव एरियाज़ के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर ये पाकिस्तान के अंदर FBR वैल्यूज जो हैं वो बढ़ जाती हैं तो भाईजान तबाही है तबाही। वजह उसकी ये है कि जी के पाकिस्तान के अंदर आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो सारी कर रहे हैं काले पैसे से। ठीक है जी, आप प्लॉट जो है वो होता 4 करोड़ रुपये का है, लेने आप जाते हैं तो आप 90 लाख रुपया बाइट देते हैं। ठीक है जी, 3 करोड़ 310 लाख आप जो है काला पैसा लगाते हैं और आप ले लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब चल रहा है काम। अच्छा, इसमें सब का ही बिल्कुल काला नहीं है, कुछ ग्रे मनी है, मतलब चले काला तो वो है जो अल्लाह ताला जिन्होंने हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद किया जो बिल्कुल, लेकिन अगर किसी ने टैक्स से कुछ बचाया या इस तरह से या बिजनेस से, तो उस पैसे को मैं इतना काला नहीं समझता। मैं समझता हूँ यार यू नो इट्स मच बेटर मनी ऑफ सेविंग टैक्स और समथिंग लाइक दैट, लेकिन बहरहाल एज अ नेशन हमें जो है वो टैक्स देने की आदत बनानी चाहिए। मेरी तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। और ये जो सोच है ना कि जी टैक्स हम नहीं देंगे तो हम पैसे बना लेंगे, तो भाई जान आप गलत हैं। बात ये है कि अल्टीमेटली तो आप जिस कश्ती में सवार है वो पाकिस्तान ही है, तो अगर पाकिस्तान डूबेगा तो तुहाड़े पैसे नाल ही डूबनगे, कोई बाहर नहीं चले जाएंगे। अगर पाकिस्तान सवरेगा आपके टैक्स से और चीज़ें बैठेगा तो आपका ज़्यादा फ़ायदा है। सो ये हम बहुत ज़्यादा गलती अक्सर औकात कर देते हैं कि जनाब हम बिगर पिक्चर को नहीं देखते। तो मैं ये समझता हूँ कि FBR वैल्यूज़ का इंक्रीज होना, पाकिस्तान में ब्लैक मनी को जनरली करना और ये सारी चीज़ें इन अ मिड एंड लॉन्ग टर्म रियल स्टेट फैक्टर के सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी हैं। उसकी वजह ये होगी कि जनाब पाकिस्तान के अंदर अगर प्रॉस्पेरिटी आती है, आपकी टैक्सेशन बढ़ती है, तो आम बंदे की बाइंग पावर बढ़ेगी, और जब उस आम बंदे की बाइंग पावर बढ़ेगी तो घर तो हर एक की ज़रूरत है, तो वो भी प्लॉट खरीदने निकलेगा, वो भी घर लेने चलेगा, वो रेंट पे लेने के लिए जाएगा, वो खरीदने के लिए जाएगा। जब वो रेंट पे लेने के लिए जाएगा, खरीदने के लिए जाएगा, ऑटोमेटिकली रियल स्टेट ऊपर जाएगी और वो जेन्युइन साइकिल होगा, वो फिर स्पेकुलेटिव साइकिल्स नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में, मैं जिस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि जनाब ये जो ब्लैक मनी के ऊपर है ये कभी भी रियल स्टेट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हाँ, वक्ती तौर पर आपको थोड़ी सी डर ज़रूर लग सकती है, वक्ती तौर पर आपके ऊपर ये टाइम फ्रेम आ सकता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपके रियल स्टेट के लिए, आपकी इकोनॉमी के लिए बेहतर है। तो एक तो मैं इसके हक में हूँ, मैं आपको सीधी सी बात बता दूँ, मैं ये खाक हूँ कि मैं इसके हक में नहीं हूँ तो गलत बात है, मैं इसके हक में हूँ, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। ये हमारे पाकिस्तान डिजर्व दिस, यू ऑल डिजर्व इट, एंड इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग मच मोर मनी, मच मोर वेल्थ। आप हमेशा दे कर अमीर होते हैं, दूसरे के बारे में सोच के अमीर होते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं अकेला इस पाकिस्तान में अमीर बंदा बन जाऊँगा, तो भाईजान आप नहीं बन सकते। हाँ, लेकिन अगर पाकिस्तान अमीर बनेगा तो आप और अमीर बनेंगे और बाकी भी साथ लोग, बहुत सारे लोग आपके साथ अमीर बनेंगे। तो थोड़ी सी सोच चेंज करने की ज़रूरत है, मेहरबानी करें इस बात के ऊपर सोचें, ज़रूर सोच चेंज करें और इसको बुरा ना समझें कि जनाब ये कोई बुरी चीज़ है। ये अल्टीमेटली रियल स्टेट के लिए ये ज़्यादा बेहतर रियल स्टेट बढ़ेगी। एक दफ़ा अगर आपने कर दिया, आप देखें 4 से 5 साल के बाद रियल स्टेट में कैसे बूम आता है। जैसे पाकिस्तान इकॉनमी बूम की, ये रियल स्टेट ट्रिपल हो जाएगी, क्योंकि फिर आपके पास इतना कंज्यूमर है इसी रियल स्टेट का, आपकी रियल स्टेट का। बहरहाल,
ये चीज़ें हुई और इसकी वजह से जो है जनाब हमारी साइकी फ़ौरन साढ़े तीन वैसे सारे पैसे ही काले ने और वाइट विखाना ही नहीं, वो तो फ़ौरन जनाब उन्हें पैसे लुकाए ने और उसने जब पैसे लुकाए हैं तो वो रियल स्टेट रुक गई है उसकी साइकी, क्योंकि हमारी मार्केट साइकी ये है कि जहाँ अगर काला पैसा नहीं लग रहा तो मार्केट ने नहीं चलना, उससे मार्केट के अंदर एकदम से बैकलैश आया। अब वो बैकलैश जो है वो 15 जनवरी को उन्होंने कहा अनाउंस करना नहीं किया, फिर जो 1 फरवरी को करना नहीं किया, अब वो 1 मार्च को करना, अब ये जो अनसर्टेनिटी पीरियड उन्होंने दे दिया उसने और मार्केट को अनसर्टन कर दिया और अभी तकरीबन हर जगह के ऊपर 10-15 लाख रुपया जो है नीचे ऊपर नीचे हो रही है प्राइसेस और ये इसी तरह चलता रहेगा क्योंकि अनसर्टन मार्केट के अंदर कोई बंदा इस तरह से इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। अब बात करते हैं कि जी क्या 2022 में होने का वाला है। पहली बात तो ये है, मैं इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि 2022 में क्या होने वाला है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मार्च में या अगर प्राइसेस रेज होती हैं तो हम इसको रीएनालाइज करेंगे, क्योंकि अभी मेरे ख्याल के अंदर जो है यू नो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जस्ट दिस इज़ अ प्री वीडियो टू दैट मार्च वीडियो विच इज़ गोना कम आफ्टर प्राइसेस वैल्यूएट होती हैं। अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन होगी, बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा तो समझें कि जनाब काम पूरा है, प्लॉटों का और फाइलों का काम तो बिल्कुल पूरा हो जाएगा, एकदम से कभी भी नहीं रेट गिरते। आपने 2016 में भी देखा होगा कि 17 में 18 में 19 में जाके बॉटम हुए तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टी जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। समझदार इन्वेस्टर ऑलरेडी निकल चुका है या निकल रहा है या निकल जाएगा अगले 6-8 महीनों में, और बाकी के जो सारे लोग जो पीछे लगे हुए थे वो इसमें फंस के अगले 3-4 साल आराम से बैठे रहेंगे और अपने पैसों को खूबसूरती के साथ आधा होता हुआ देखेंगे। और इसीलिए मैं इसको अभी ये नहीं कह रहा गेन के जी की हो जाएंगे, ये डिपेंड करेगा एफबीआर के ऊपर, क्योंकि जो रिपोर्ट्स और न्यूज़ हैं वो ये कह रही हैं कि जी के प्रॉबेबली जो है वो यू नो मार्च में भी रेट बढ़ेगा और फिर शायद जून में भी रेट बढ़े, वेरी बैड न्यूज़, बट अगेन नॉट बैड न्यूज़ फॉर रियल स्टेट, कभी भी ये रियल स्टेट सेक्टर के लिए बैड न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गैम्बलर्स के लिए, स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स के लिए, उन एरियाज के लिए बैड न्यूज़ है। और उसमें भी मैं आपको बात तो उसमें भी चांसेस हैं, अगर रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, अगर 20%, 30%, 25% रेट बढ़े और सिर्फ ये इतना फैक्ट आया तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है जी, फिर आपके रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो अपने आप को इन जनरल कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं आसमान पर चढ़ेगा क्योंकि यू नो ऑलरेडी रेट्स ऊपर बढ़े हुए हैं, लेकिन वो अच्छा एक पॉजिटिव सिम्मत की तरफ रहेगा। तो जनरली एक तो ये हमारा इसमें है, और पाकिस्तान में फिर एक और चीज़ भी देखनी है कि ये सारी न्यूज़ हैं ये इस कंट्रास्ट में आ रही हैं कि पाकिस्तान की मार्केट जो अपने 2 से 3 साल का ट्रेडिंग साइकिल पूरा करने वाली है अप ट्रेंड का। अब जब आज से 2 से 3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जब मैंने कहा कि पाकिस्तान में अपवर्ड साइकिल आने 2019 वाला, तो उस वक्त आप लोगों ने शायद उसको साइकिल से नहीं देखा, लेकिन आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जरा पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब टेक्निकली हम अगर अपने साइकिल की बात करें तो हम जो है एक्सपेंशन स्टेज में हैं। एक्चुअली मे बी यू ना हम अभी हाइपर सप्लाई में नहीं, हाइपर सप्लाई और एक्सपेंशन स्टेज के फौरन बाद हाइपर सप्लाई आती है और हाइपर सप्लाई से फिर आपका डाउन ट्रेंड शुरू होता है। सो मे बी वी आर स्टिल इन एक्सपेंशन स्टेज, यू नो नो वन कैन रियली प्रिडिक्ट दैट, लेट्स से कोई कहे कि जी मैं बड़ा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, एक्सपेंशन स्टेज 6 महीने लास्ट करे, साल लास्ट करे, लेकिन इसमें प्राइसेस के बहुत ज़्यादा बूम पे नहीं जाती। तो इसलिए इन जनरल स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पर्सनली 10-20-15% के पीछे भागने वाला बंदा नहीं हूँ। आई वांट टू गो जहाँ पर मुझे यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2-3-4 सालों में मुझे 100-150-200% गेन मिलता नज़र आए। तो इसलिए मुझे जनरली जो नए सेक्टर्स हैं उनके अंदर मुझे जाना कोई इतना पसंद वैसे भी नहीं लग रहा, चाहे वो वैल्यूज अभी बढ़े या ना बढ़े उसके बिसाइड्स दैट। अच्छा, दूसरा सेक्टर ये है कि जी कि आपके पास जो है वो बेतहाशा 30-40 साल का प्लॉट आपने माशाल्लाह तआला बना लिया हुआ है, क्योंकि आपकी बहुत बड़े और वो 30-40 साल का प्लॉट जो आपने बनाया वो भी आपने गरीब बंदे के लिए तो बनाया नहीं, क्योंकि गरीब बंदे को तो घर की ज़रूरत नहीं है, ये तो है अमीरों को ज़रूरत, उनके हर बंदे ने 10 घर बनाने हैं, कल को यहाँ पे उसने जो है ना वो एक रात इधर रहा करेगा, दूसरी रात उधर रहेगा, तीसरी रात उधर रहेगा, तो उसने 10-10-20-20 प्लॉट लिए हुए हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना वो उसको प्लॉट बेच रहा है, वो उसको प्लॉट बेच रहा है, वो ग्रेटर फुल थ्योरी मैंने आपको बताई है कि जनाब यू कीप बाइंग एन एसेट जस्ट बिकॉज के जनाब ये ओवर वैल्यूड एसेट के जनाब मेरे से कोई बड़ा फूल है जो उसको ले लेगा, और वो आप करते जा रहे हैं 40 साल के, आपके पास ये फेस DHL और के अंदर आप देखें 9 PRISM को लगा लें, 6, 7, 8 को, 7 को जो है वो 12 साल हो गए हैं मेरे ख्याल पोजेशन को, 12-13 साल, हाँ 12 साल 10 से 12 साल, 6 को 14-15 साल होने को आ गए हैं, 8 को 5-6 साल हो गए, 9 का अब आया पोजेशन, तो आप खुद देख लें कि जहाँ 2030 से पहले ही कुछ लिवेबल होगा 9 PRISM,
आज 2022 है, बाकी आप खुद समझदार हैं, सियाने हैं मेरे से ज़्यादा, वो आपको समझ आ जानी चाहिए। तो इस साइकिल के अंदर आपको थोड़ा सा, आप ज़रा अगर ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो आपको थोड़ा सा मुतात रहना पड़ेगा। आप इस तरह से अपने पैसे दबोना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर नहीं चाहते तो यू शुड बी वेरी वेरी ऑफ द साइकिल। और मेरी सजेशन ये होगी कि अगर तो रेट नहीं बढ़ते तो ओके, देन यू कैन सस्टेन योर सेल्फ, बट अगर एफ पी आर वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है दैन देर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न। और बेच दें ये कह सकता हूँ, लेकिन बाकी एक्चुअल असेसमेंट हम इसकी मार्च में ही करेंगे। इन जनरल अगर आज की बात करें, मुझे नहीं लगता कि जनाब चाहे वैल्यूज़ कम रहें या ज़्यादा रहें, इन जनरल मेरे ख्याल के अंदर कि जनाब प्रॉपर्टी वैल्यूज़ लाहौर में और गुजरांवाला में और मुल्तान में ये 10-20% प्लस माइनस में ट्रेवर्स करेंगी। इनके अंदर अभी वो पोटेंशियल 100% वाला एटलीस्ट 2022 के साल में नहीं है। 2022 में अगर ये FBR और DNFVP के इश्यूज़ नहीं बनते और अल्टीमेटली चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं तो शायद 2023-24 में आपको एक बूम देखने को मिले, लेकिन अगर 2022-23 में ये फर्दर चीज़ें स्ट्रेंथन नहीं हुई और फर्दर आपके ऊपर जो लगे तो फिर आपका साइकिल जो है वी कैन अस्यूम के जनाब हम जो है वो अप डाउन ट्रेंड साइकिल में जाने वाले हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ बिग न्यूज़ एंड नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि आपका डाउनवर्ड साइकिल जो है वो कब अब शुरू होने वाला है। तो फिर इन्वेस्ट किधर करना चाहिए? बात यह है कि जी कि ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं आपके स्पेकुलेटिव एरियाज़ में, आपके एंड यूज़र एरिया जहाँ पे एक्चुअल आपकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे एक्चुअल रेंटल इनकम चलती है, वो एरिया जिसमें इफेक्ट नहीं होते। इसी वजह से, इसी साइज़ की वजह से हम जो हैं वो 2021 में हमने अपने प्रोजेक्ट्स में और उसकी तरफ हम पहले से शुरू से करें, लेकिन इन एरियाज़ में हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि हमें इन स्पेकुलेटिव साइकिल्स के अंदर नहीं जाना पड़ता और हम वी कैन मेक एन इक्वल एंड इवन मोर अमाउंट ऑफ मनी और हम इसमें अच्छा कैश फ्लो भी बना लेते हैं अगर हम अपने एंड यूज़र एरियाज़ में रहें। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि इसको पूरी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ करना पड़ता है। आप इसको जो है वो अद्धा तितर अद्धा बटेर नहीं कर सकते, कि अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। मैंने देखा यहाँ पे कई लोग जो है वो इस तरह से उन्होंने किया कि जनाब उन्होंने चीज़ को जब लिया फिर अपने दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया कि अच्छा नहीं ऐसे कर लेते हैं ऐसे कर लेते हैं, और वो अल्टीमेटली नुकसान उठाते हैं। ये आप कहीं पे भी करेंगे, आप स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में भी करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। कई लोगों ने मुल्तान को जो है बिल्कुल उससे पहले बेच दिया जब उसका हाइप होने वाला था, कई लोगों ने कई जगहों से एग्जिट ले ली या एंट्री कर ली ऊपर वाली प्राइस में जाकर, तो गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं। तो आपको जो है ये जब इन एरियाज़ में भी आपने जाना है तो आपने अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग करके जाना है और उसके अलावा आपने इसमें नहीं जाना। इसमें मैं आपको भी स्पेकुलेटिव एरियाज़ के अंदर मैं इस तरह ज़्यादा डाइटिन में नहीं जाऊँगा। हमारा ब्लॉग है उसमें हमने लिखा हुआ है, हम उसकी इंशाल्लाह सप्लीमेंट्री भी भेजेंगे। जनरली मोटे तौर पर बता देता हूँ कि मुझे प्लॉट्स और फाइल्स के अंदर इतना ज़्यादा अभी नज़र नहीं आ रहा अनटिल एंड अनलेस के एफबीआर वैल्यूज़ जो हैं वो ठीक डिक्लेयर हों, ज़्यादा ना बढ़ें जून में भी और उसमें, और तो फिर एकदम से आपको प्राइस भी ऊपर जाती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन अगर वो बढ़ गई हैं तो फिर आपको प्राइसेस स्टैग्नेंट हो जाएंगी और नीचे की तरफ आप जाना शुरू हो जाएंगे और आगे जून के बजट के बाद आपको सही पता चलेगा कि वेदर गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से हम इसमें डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं स्पेकुलेटिव एरियाज़ में या नहीं जा रहे हैं। एंड यूज़र प्रॉपर्टीज़ इन जनरल करती रहेंगी फ्लर, जिस तरह से पहले आपको बता रहा हूँ कि रेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमने 2016-17-18-19-20 के अंदर देखा कि सारी एंड यूज़र प्रॉपर्टीज़ ने इक्वल और मोर गेन किया। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। मैंने कभी ना घरों को इस तरह से बहुत ज़्यादा वो नहीं देखा था कि जनाब ये बहुत आला किस्म के रेंटल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं कि ये जब आप साइकिल सारा ये खेल रहे थे साइकिल साइकिल और स्पेकुलेटिव साइकिल, उसके अंदर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट देखने को है, वो ये देखने आई। मैं अस्करी की मिसाल देता हूँ, अस्करी 11 के अंदर जो है वो ब्रिगेडियर हाउस जो था वो था तकरीबन 3.25 करोड़ का, और इस वक्त जो है ये 2000 आप कर लें 2020 में, और आज 2022 में ये हो चुका है 5.5 करोड़ का, ठीक है जी। अच्छा, उस वक्त उसका रेंट था 80,000 और आज रेंट है 1.5 लाख। ये रेंटल प्रॉपर्टी का फायदा है, आप इसे रेंट भी ले रहे हैं और उसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो समझने वाली हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि जी कि जब भी रियल स्टेट में बूम आता है तो आपकी, अब बहुत सारे लोग इसमें बात करेंगे कि जनाब रियल स्टेट सेक्टर का जो बूम है उसमें घरों के अंदर डिवेल्यूएशन फैक्टर आती है, सारी चीज़ें आती हैं। मैं वही आ सकता ना, अलहमदिल्ला अस्करी के अंदर डिवेल्यूशन क्या नहीं है, वो वैसे डिवेल्यूड सा घर है।
तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है कि हालांकि आप 5.5 करोड़ की कमोडिटी है और उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए रेंट, कोई बड़ा रेंट नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर एटलीस्ट भी आपको 4 लाख रुपए रेंट आना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक अंदाजे के मुताबिक उसमें कैपिटल गेन भी आप देखें हो गया। तो मकसद ये बात करने का ये है कि जब भी रियल स्टेट प्लॉटों में भी बूम आता है तो भाईजान आपकी बाकी की प्रॉपर्टीज़ भी चढ़ती हैं। अब सारी नहीं चढ़ती हैं, वो फिर तालीम वाला एक वीडियो मैंने बताई थी, तो तालीम ज़्यादा हासिल ना कर लीजिएगा, कुछ चीज़ें नहीं चढ़ेंगी ठीक है, और कुछ चीज़ें चढ़ेंगी, और यही जो सिलेक्शन है कि किस जगह पर करना है, एक सोसाइटी के अंदर किस पर्टिकुलर जगह पर करना है और कहाँ पर नहीं करना, वो आपने देखना है। और उसी प्लॉट में उसी जगह के अंदर घरों का, अगर मैं कह रहा हूँ कई घर करेंगे कई घर नहीं करेंगे, कई अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में बहुत अच्छे गेंस मिलेंगे, कई अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में अच्छे गेंस नहीं मिलेंगे, कई कमर्शियल्स बहुत ऊपर जाएंगे, कई कमर्शियल्स के अंदर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। हम ना, मुझे पता है ना आपको पता है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हम एक ऐसे इंसान होते हुए कम अज़ कम एक लॉजिकल सोच के साथ, सोच के समझ के कुछ अपनी तसल्ली करके कुछ एनालिसिस करके और बाकी फिर अपना कहते हैं ना किला ठोक के फिर अल्लाह से तोकल करिए, बजाय एक जी के सीधा अल्लाह से तोकल कर लिए कि अल्लाह मालिक है यार जो भी होएगा देखी जाएगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं तो अगेन फिर मेरी ये बात ना समझ लें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का मतलब है कि जला अखा बंद करो, जला नजर है उधर तो पैसे पा दो, नहीं, उसमें आपकी फर्दर सिलेक्शन है। हमारी टीम इज ऑलवेज वर्किंग ऑन इट, हमने अपने 2022-23 के लिए कुछ प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, आप हमें बताएं, जिसमें हमारा 66 गुलबर्ग है, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं गोल्ड क्रेस्ट मॉल है, एक दो और नए मज़े के प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे आ रहे हैं, वो अभी हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, बट इंशाल्लाह 6-8 महीनों में आपसे वो भी हम शेयर करेंगे। तो वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स देयर, आपको अगर चाहिए वो हमने सेलेक्ट किए हैं, वो जो वैल्यू ऑफ मनी है जिनके पैसा डाल के आपको श्योर शॉट जो है वो पैसा मिलेगा, कोई मैनिपुलेशंस नहीं है उन प्रोजेक्ट्स के अंदर, रैदर देन द अदर प्रोजेक्ट जिनके अंदर फिर ओवर वैल्यूड चीज़ें मिल रही हैं, तो वो आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। प्लॉटों में दो जगह मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं, एक मुझे जो है वो DHS सिटी कराची सीम्स लाइक अ गुड इन्वेस्टमेंट एट दिस मोमेंट, क्योंकि जनरली उसमें रेट्स इतना नहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। और गवादर अगेन वेरी रिस्की, आपकी मर्जी है, मैं आई एम नॉट गोना हेल्प यू डू दैट, मैं एडवाइस, लेकिन मेरे ख्याल में गवादर जो है इफ़ यू हैव सम एक्स्ट्रा मनी मे बी यू नो एक अद्धी छोटी सी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, बट मैं नहीं कर रहा, बट आई थिंक अगर आप इसकी नेचर है रिस्क वाली और ये वाली तो यू कैन लुक एट ग्वादर एट दिस मोमेंट, क्योंकि पहले भी ग्वादर जो है वो थोड़ा सा मार्केट के साइकिल्स के बाद चला था, तो ग्वादर के अंदर अगर रेट्स नहीं बढ़ते और FBR वैल्यूज और ब्लैक मनी के लिए पॉकेट मिलती है तो शायद ग्वादर की तरफ पैसा जो है वो जाना शुरू हो। सो तीसरा एक चीज़ है, और मैं ये जनरली कर रहा हूँ, मैं डिटेल में इसलिए कवर नहीं कर रहा कि जनाब ये हम मार्च के बात करेंगे जब FBR वैल्यूएशन आ जाएंगी। कमर्शियल्स में अगर FBR वैल्यूज़ को मैं देखूं तो FBR वैल्यूज़ में एक बड़े मज़े की चीज़ थी और वो ये थी कि कमर्शियल्स में अभी भी ब्लैक और वाइट का काफ़ी डिफरेंस है। सो दैट मींस के दिस इज़ वन प्लेस वेयर रियल स्टेट मार्केट कैन फोकस, क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखें ना 2020-21 में तो रियल स्टेट मार्केट में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में तो बड़ा अच्छा बूम आया, कमर्शियल्स में बहुत कम जगहों के ऊपर छोटे छोटे पैसे इंक्रीज हुए। सो दैट इज़ सम प्लेस वेयर आई थिंक के जनाब मनी कैन फ्लो इन दैट डायरेक्शन, अगर उसके अंदर FBR वैल्यू के अंदर अभी भी हमारे पास एक थोड़ा सा बच जाता है हमारे लिए चंक जहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसमें ब्लैक मनी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकती है। तो कमर्शियल सेक्टर्स को आप देख सकते हैं, ब्लॉग हमारा पढ़िएगा, उसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि कौन कौन से किस किस जगह के ऊपर कौन कौन से कमर्शियल सेक्टर्स जिसके अंदर हम VN कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पर होगा। सो गाइस दैट्स ऑल, जनरली मैंने कंक्लूजन आपको दे दिया है, मैं इसकी डिटेल्स में अभी जाके आपको बताऊँ कि ब्लॉग में हालांकि लिखा है लेकिन मैंने उसके अंदर फाइनलाइज वर्जन हम इंशाल्लाह ताला मार्च में देंगे जब हमारा ये जो है फाइनलाइज हो जाते हैं FBR वैल्यूज़, और उस वक्त तक एहतियात रहें, स्पेकुलेटिव एरियाज़ के अंदर अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखें, दूसरी जगहों के ऊपर रेंटल प्रॉपर्टीज़ और उन आस्पेक्ट्स की तरफ मेरा ख्याल है इट्स टाइम के जनाब हम जो है वो अपनी जो सही रियल एसेट्स हैं, जो रियल एसेट्स कैश फ्लोज आपको देते हैं उनकी तरफ तवज्जो दें और उस तरफ मूव करें। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला, लेट्स सी एंड लेट्स फाइंड आउट एंड लेट्स वेट फॉर द सप्लीमेंट्री एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो जो हमारा FBR वैल्यूज़ के बाद आता है। Thank you very much and Allah Hafiz.